अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुड़ास किचन ऑफिशियल। आज यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन लबाबदार की रेसिपी, जो बहुत ही रिच एंड क्रीमी है। आप इसे सर्व कर सकते हो बटर नान, तंदूरी रोटी या फिर घी राइस के साथ। इसे बनाना भी बहुत ही इजी एंड सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट। चिकन लबाबदार बनाने के लिए यहाँ पर 1 kg चिकन लिया है मैंने विद बोन। इसे अच्छे से क्लीन एंड वॉश कर लेंगे। आप यहाँ पर विद बोनलेस भी ले सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे 4 tablespoons योगर्ट, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 tablespoon टर्मरिक पाउडर, 1 tablespoon कुरियंडर पाउडर, 1 tablespoon क्यूमिन पाउडर, 1 tablespoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 tablespoon सॉल्ट, 2 tablespoon कुकिंग ऑयल। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड आप चिकन को रेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 1 hour के लिए साइड में रख देंगे, या फिर आप इसे कम से कम 15 मिनट्स के लिए साइड में रख दें रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर लेंगे 2 medium-sized स्लाइस्ड कट अनियन, 4 dried red chilies, 6 garlic cloves, 2 small pieces ऑफ जिंजर, 4 green chilies, 1 tablespoon कोरिएंडर सीड्स, 12 टू 15 कैशू नट्स। अब एक कुकिंग पैन में 1 glass वाटर ऐड करेंगे एंड इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे एंड साथ ही ऐड करेंगे 1/2 tablespoon सॉल्ट एंड फिर ये 2 medium-sized टमाटो ऐड करेंगे एंड एक बार मिक्स करेंगे। फिर इसे कवर करेंगे एंड कुक करेंगे ऑन हाई फ्लेम सॉफ्ट एंड मशी होने तक। ये देखिए यहाँ पर ये सॉफ्ट एंड मशी हो गया है। अब इसे ठंडा होने के बाद ब्लेंड करेंगे एंड एक स्मूथ सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैरिनेट होते हुए 1 hour हो गए हैं। अब इसे फ्राई करेंगे। एक फ्राइंग पैन में 3 tablespoon ऑयल को हीट करेंगे एंड 1 by 1 चिकन की पीसेस ऐड करते जाएंगे। चिकन को अब फ्राई करेंगे। चिकन की इस साइड को यहाँ पर 5 minutes के लिए कुक करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम, यानी कि 10 minutes में चिकन जो है वो फ्राई हो जाएगा। चिकन के फ्राई होने के बाद आप ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने वही पैन लिया है जिसमें अनियन, कैश्यू एंड टमाटोज को बॉईल किया था। अब 3 tablespoon ऑयल को गरम करेंगे इसमें एंड होल स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि 1 bay leaf, 3 to 4 small pieces ऑफ सिनेमन स्टिक, 1 tablespoon क्यूमिन सीड्स। इसे सौते करेंगे 1 minute तक, ताकि ये स्पाइसेस जो है वो अपना फ्लेवर ऑयल में रिलीज कर ले। एंड फिर नेक्स्ट ये अनियन, कैश्यू, टमाटो एंड स्पाइसेस का पेस्ट ऐड करेंगे एंड इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम को अब यहाँ पर लो टू मीडियम पर रखेंगे एंड इसमें ऐड करेंगे 1/2 tablespoon टर्मरिक पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 glass वाटर। ये मैंने उसी जार को क्लीन कर ऐड कर लिया है जिसमें पेस्ट बनाया था। अब यहाँ पर इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे एक बॉईल आने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें 1 by 1 फ्राइड चिकन की पीसेस ऐड करते जाएंगे। स्लोली ध्यान से ऐड करें। चिकन के पीसेस ऐड करने के बाद अब इसे अच्छे से स्टर करेंगे। इसी स्टेज पर आप सॉल्ट चेक करें, अगर आपको कम लगे तो ऐड करें। यहाँ पर मैं 1/4 teaspoon के बराबर सॉल्ट ऐड करूँगी एंड साथ ही ऐड करेंगे 1/4 teaspoon शुगर। जी हाँ, शुगर ऐड करेंगे इस ग्रेवी में थोड़ा सा, ताकि इससे टेस्ट जो है थोड़ा सा एनहेंस हो जाए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो यहीं पर आप रेड चिली पाउडर या फिर ग्रीन चिलीज ऐड करें चॉप कर। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे एंड कवर कर कुक करेंगे ऑन लो फ्लेम फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स बाद इसकी लीड ओपन करेंगे एंड इसे अब एक बार मिक्स करेंगे। नेक्स्ट अब ऐड करेंगे 1 tablespoon गरम मसाला पाउडर, 1 tablespoon क्रश्ड फेनुग्रीक लीव्स यानी कि कसूरी मेथी, 1 cup कुकिंग क्रीम। कुकिंग क्रीम ऐड करने के बाद अब इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स हो जाने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स एंड इसे भी मिक्स करेंगे एंड 1 minute बाद अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर ये रिच एंड क्रीमी चिकन लबाबदार रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसे डिश आउट कर लिया है। अब इसे गार्निश करेंगे थोड़े से फेनुग्रीक लीव्स, कोरिएंडर लीव्स एंड क्रीम के साथ। देखिए फ्रेंड्स, रिच एंड क्रीमी चिकन लबाबदार अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।